بتواري ملاد انت سلا कब ऑब्जेक्शन पेश किया आपने? एक दो को सर तो ये किस चीज की प्रोसीडिंग थी यहाँ पे? सर ये 130 रोड की थी, रोड उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, एग्रीकल्चर रोड, तो उसके खिलाफ उन्होंने पिटीशन लगाई थी सर। हाँ नक्शा कहाँ है रोड का? लट सर हमारा प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ये है कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। क्या क्यों? क्योंकि 131 की प्रोसीडिंग्स में अगर ये तहसीलदार का डायरेक्ट ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं, 44 में अपील में भी जा सकते हैं कलेक्टर के यहाँ। कौन सा ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं आप? तहसीलदार का ऑर्डर है, उसमें उसको द कोर्ट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दिस मैटर इन डॉट अर्लियर ऑर्डर शीट डॉट यू कैन सी डॉट P1 ऑर्डर। व्हिच ऑर्डर? P1 पेज नंबर मतलब पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 यस पढ़े हैं क्या करना है? बोले पढ़े पढ़े हैं क्या? पेज नंबर 13 के बाद तो आगे शुरू आप ही को करना है ना सर। ये इनको बताना है सर, ये तो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, इज टेकिंग ऑब्जेक्शन की। पेज नंबर 13 से क्या हुआ आप तो बता दीजिए। कोर्ट हैज इशू नोटिस ऑन दिस मैटर दिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस 30P13। कौन सी कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया? दिस हाई कोर्ट ने डॉट। तो हम खारिज कर देंगे, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? आपकी मर्जी सर, तो आपकी मर्जी। आप पहले बताइए तो 13 के बारे में। कोर्ट हैज कंसीडर दिस एस्पेक्ट कि वेदर आई हैव कंसीडर। हाँ मुश्किल, आप ये बताइए 10/9/21 का ऑर्डर क्या है? मैं पढ़ देता हूँ। यदि कोर्ट एक बार किसी केस में नोटिस जारी कर दे बाद में खारिज नहीं होता क्या? वो अलाउ होता है? होता है, नॉट इन दिस ग्राउंड इट इज नॉट पेंटेबल। ऐसा कहाँ लिखा है? है सर 71 सुप्रीम कोर्ट है। लेके आओगे आप? 77 सुप्रीम कोर्ट है, तो उसके लिए लेके आओगे? ला देंगे सर, ला देंगे। नहीं लेके आओगे? आज नहीं लाओगे कुछ? नहीं आज तो है नहीं, आज तो ऑब्जेक्शन ही नहीं सर। दिस ऑब्जेक्शन कुड नॉट माय सबमिशन एंड ऑब्जेक्शन वन द कोर्ट हैज टेकन अप टेकन ओवरलू द ऑब्जेक्शन टेकन बाय द स्टेट। हर 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 ऑब्जेक्शन के लिए अलग केस लगेगा? नहीं ऐसा नहीं है, वन ऑब्जेक्शन टू टेकन बाय द इफ यू आर अवेयर अबाउट द लीगल पोजीशन की अगेंस्ट द ऑर्डर अंडर सेक्शन 131 अपील इज मेंटेनेबल। सर वंस वन द कोर्ट हैज टेकन कोर्ट ने जब से उन्होंने चलिए आप जैसे 131 से क्या हुआ पेज नंबर 13 पढ़ लें सर। पे पढ़ देता हूँ सर, 14 में है, टाइप कॉपी है सर। हाँ वही उसी पे लिए हुआ मैं। क्या आवेदक उद्धव प्रसाद द्विवेदी NSO एवं दो अन्य सभी निवासी गंगारा द्वारा पुस्तैनी रास्ता दिलवाए जाने हेतु आवेदन पर पेश किया है। प्रकरण पंजीपत किया गया, आवेदक को तलबी की गई, तो हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया, मुताबिक प्रतिवेदन अराजी नंबर 1600 मध्य शासन की भूमि है, अराजी नंबर 303/1 और 306 अंश भाग में हर सेकेंडरी स्कूल माध्यम भवन दर्ज है, पूर्व में लोग रास्ते के रूप में उपयोग करते रहे हैं, किंतु शासन द्वारा दोनों स्कूलों के बाउंड्री का निर्माण होने से रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, किंतु उपरोक्त आधार पर स्पष्ट है कि शासन की मंशा अनुरूप बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है, अतः शासकीय कार्य होने के कारण आवेदक के आशय स्वीकार किया जाता है। ये आपने कौन सा आवेदन लगाया था? मतलब P2 इज एप्लीकेशन P2 यस। ये आवेदन 131 के तहत लगाया था, ये खारिज हो गया 10/9/21 से। या आप जी मुझे बता दीजिए इसकी रेमेडी क्या है? आपने अपनी पिटीशन में क्या लिखा है इस बारे में? ये लिखा है पैरा 3 इनने लॉट से ये ग्राउंड लिया है। अरे हम कह रहे हैं कि तुम कह लो या तो आप ही कह लो। अब इनकी सुन लीजिए पहले, आप फिर हम बाद में कहेंगे। सॉरी आप पहले सॉरी बोलो इनको। लेट हिम कंप्लीट दो तीन बार सॉरी बोलो। नहीं नहीं आप कह लो भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप दो तीन बार सॉरी बोल तो रहे, वो हम नाराज हैं, इनको जानना ही चाहिए सर। हमारा ख्याल है कि गलती हो जाती है, बच्चे होंगे काफी, इतना जानना चाहिए कोर्ट को बने पर्सन इज एड्रेसिंग द कोर्ट ही शुड नॉट इंटरफेयर। जितना जल्दी नाराज हुआ करो उतनी जल्दी नहीं नाराज तो यहाँ होना ही नहीं नहीं होना चाहिए, नाराज होने में बुराई थोड़ी है। तो पहले आप बात पूरी हो जाने दिए आप हंसोगे नहीं तब तक, जो फिर बहस टेंशन में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं सर, टेंशन तो कोई नहीं। जितनी जल्दी नाराज हो उतनी जल्दी फिर शांत भी हो जाओ। बहुत जल्दी सर, आपको नाराज नहीं होता और कभी वो नहीं होता। आप पेज 8 देखें सर, पेज 8 जैसे मेमो ऑफ अपील में देखें, मैंने स्पेसिफिकली रखा है जी पेज नंबर 8 पैरा मतलब पहला 510 देखें सर। हाँ पढ़िए 510 में पढ़ता हूँ। दैट द पिटिशनर फर्दर सबमिट दैट विदाउट सीकिंग द अर्जेंट विदाउट सीइंग द एजेंसी ऑफ एंड नो अल्टरनेट रोड इज अवेलेबल
टू डिस्टर्ब द विलेज पीपल पीसफुल। मैंने समझ लिया इसमें जो लिखा है, मैंने इसमें समझ लिया। आपका कहना है कि इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। जी हाँ सर। तो आपने रास्ता खुलवाने का आवेदन लगाया, लॉर्डशिप, ठीक है ना? जी हाँ सर। और वो खारिज हो गया आवेदन। जी हाँ, फिर आप P11 आगे पढ़ रहा हूँ सर। नहीं नहीं, वो आवेदन खारिज हो गया। ठीक है, ठीक है ना। देखिए आपकी प्रेयर देखें एक बार। हाँ। क्या होता है कि ये रेवेन्यू साइड का काम सीधे हाई कोर्ट में होगा, तो फाइंडिंग क्या है आज सर? किसी कोर्ट की फाइंडिंग आपके खिलाफ या पक्ष में आ तो जाए, तब उसको इंटरप्रेट करेगी हाई कोर्ट। अच्छा सोचो, हर केस में सीधे नामांतरण का एक तहसीलदार के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाने लगे। अब रास्ते का मैटर, इफ अपील इज अवेलेबल, इवन आई थिंक यू आर हैविंग टू अपील्स। क्या लिखा द पिटिशनर्स डिक्लेयर, आपकी पिटिशन मेमो का पेज 4 पैरा 3, द पिटिशनर डिक्लेयर दैट द अपील इज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब यू आर एडमिटिंग 24 एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, बट बिकॉज द पिटिशनर कल्टीवेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड इज एब्स्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द बाउंड्री वॉल इन द स्कूल एरिया, देयरफॉर नो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन वाज मेड बाय द रिस्पोंडेंट एंड फॉर अर्ली डिसीजन ऑफ द केस द प्रेजेंट पिटिशन इज बीइंग फाइल्ड। तो अर्ली डिसीजन तो हर आदमी चाहता है, तो अर्ली डिसीजन चाहने के लिए दावा हो, दावे का निर्णय हो, सीधा सेकंड अपील कर दो, फर्स्ट अपील करो। आगे भी तो मेरा आगे भी तो पढ़े सर। हाँ, 5-11 भी देखे सर। द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट पास जजमेंट इन केस ऑफ मनी रम्मा सो एंड सो एंड ऑर्डर पास बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द रिस्पोंडेंट, ही हैज नो डेयर टू पास द ऑर्डर। तो ऑल दीज ऑब्जेक्शन यू कैन रेज बिफोर द अथॉरिटी। अरे सर, तहसीलदार कैसे करेगा कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ? एसडीओ, एसडीओ भी नहीं, एसडीओ तहसीलदार भी नहीं, एसडीओ कोई भी नहीं करेगा। अरे हाई कोर्ट की ऑर्डर शीट तो बताओ कि आप। मैं बता रहा हूँ सर, कोर्ट ने कह दिया कि धर्माधिकारी साहब का है सर, वो 15/9/22 का शायद आई थिंक, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, तो पहला ऑर्डर शीट है भाई। एडमिशन में उस दिन सर अपील एडमिट तो नहीं की ना, शो कॉज नोटिस पे एडमिट तो नहीं की ना, एडमिशन नहीं हुआ था। ये लो है कि यदि हाई कोर्ट ऐसी अपील, ऐसी पिटीशन जिसके अंदर अल्टरनेट रेमेडी हो और अपील एडमिट कर ली हो, 10 साल बाद वो सुनवाई में आए, तो अल्टरनेट रेमेडी के आधार पर खारिज नहीं करना चाहिए। I am not dismissing the petition on the basis of alternative remedy. आप सर, अरे सुन तो लीजिए। हाँ सर, सर आपकी इच्छा होगी तो अल्टरनेट रेमेडी में दे देता हूँ। और यदि आप अपील पेश करते हैं तो दैट शैल बी ट्रीटेड विद इन टाइम, ये लिख दूंगा मैं। मेरी आप मेरी बात मैं भी कहूँ सर, माफ ना सर, 5-11 देख ले सर, जिसपे कोर्ट ने कंसीडर किया। The petitioner further submit, respondent are the state and the NAP tahsildar is subordinate to collector. Respondent number one, therefore he has no dare to pass the order in favor of petitioner. Even the case of the petitioner is very clear, therefore directly petitioner filed before this court. And this aspect was considered by the court, other bench. लेकिन रेमेडी तो अपना ही अपना मैं तो इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार। गलत कर दिया, लिख दे दिया, गलत कर दिया आपने, ऐसा मैं ऐसा बहस नहीं करना चाहिए। आप इतने सीनियर हैं फिर सर, अब हम क्या कहते हैं भाई? कॉग्निजेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में वो कानून बन गया। ऑर्डर ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस इज इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रीसीडेंट सर। एक 71 सुप्रीम कोर्ट है, 33 देखिए उसको सर। ऑर्डर ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस, सपोज दावा पेश हुआ,
अरे सुन तो लीजिए, आप सुन रहा हूँ सर, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं सुन मैं फोन भी नहीं रहा, सुन रहा हूँ आपकी। मान लो आपने ऐसा दावा पेश किया जो मेंटेनेबल नहीं है और सिविल जज साहब ने नोटिस जारी कर दिया, ठीक है, तो उनको क्या एविडेंस लेना पड़ेगी? 7/11 में भूमि का नहीं सर, 7/11 तय होगा उसमें, पहले जब एडमिशन में जब वो आया दावा चेक होगा पहले की वेदर इट मेंटेनेबल और नॉट। मैं इतना सा डिसाइड कर रहा हूँ कि यू गो देयर एंड इफ यू गो देयर विद इन 15 डेज द अपील शैल बी ट्रीटेड विद इन लिमिटेशन। सर मेरी बात सुन, एंड द एसडीओ किसको होगी अपील? जो बनी हुई है लेकिन फिर भी जाते तो थे वहीं, जाने तो है पर वहाँ पर कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट है कंसीडर, मान के चलो अपन ये सब चलेगी, कहीं कोई काम अच्छा नहीं होता, सारे काम हाईकोर्ट में चलो करो। मैंने हाईकोर्ट आज बात ही नहीं सर, इस पर्टिकुलर हमें मालूम है कि डिमार्केशन का आवेदन लगाएंगे तो वो डिसाइड नहीं होता। अभी अखबार में मैंने देखा था 3-4 हजार आवेदन पेंडिंग ऐसा लिखा हाँ, था, वो आया जी। तो क्या हम आवेदन ही नहीं लगाएंगे? फिर हाईकोर्ट ने डायरेक्शन लेंगे, मतलब आवेदन लगाए भी नहीं डायरेक्शन ले लेंगे क्या? नहीं डायरेक्शन लगाएंगे भाई, तो लगा दो मेरे साथ, कोर्ट ने कहा था डायरेक्शन दिया, कोर्ट ने कहा है मैं दे रहा हूँ ना डायरेक्शन, कोर्ट ने तो खुद ही कहा, कोर्ट ने तो कांग्रेस लॉट इन दिस, बहुत देर हो गई लॉटरी में कहने, आप उसके ऑर्डर ही पढ़ने पड़ते, बहुत देर हो गई शर्मा साहब, ऑर्डर तो पढ़ने सर पढ़ लिया नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ लिया है, आपने आपने जो कुछ भी कहा मैं सब पढ़ गया, मैं सुना हूँ उसको, सुना देता हूँ, सुनाने जरूरत नहीं सर, आप पढ़ने में 15/9/2022 ना जी हाँ सर, पढ़ लिया मैंने, आपकी बढ़िया सी हाजिरी लगी हुई है, नामदेव की हाजिरी लगी है, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आर फर्दर डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद द ऑर्डर डेटेड, उसके पहले पढ़े, उसके पहले पढ़े, उसके पहले फर्स्ट हियरिंग में आया उस दिन का ये ऑर्डर, कौन सा 5/4/22 कौन सा पढ़ूं अब सर, मैं चेक डेट नहीं पता पा रहा हूं मैं, पर 4/5/22 आप देख ले सर, मैं गलत बोलता हूं सर, स्टेटमेंट हमारा गलत है, धन्यवाद गाइस आपका ऑर्डर है वो 29/11/21 पढ़ दूं, हमारे पास फाइल है, पहला ऑर्डर है ना जी हाँ, पहला ऑर्डर नशु नोटिस टू द रिस्पोंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी बाय आरएडी मोड विद इन 7 working days फेलिंग विच दिस पिटीशन शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड डिसमिस विदाउट फर्दर रेफरेंस टू दिस कोर्ट, नोटिस बी मेड रिटर्नेबल विद इन 4 weeks ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पिटीशन द रिस्पोंडेंट शैल नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पिटीशनर टू यूज द पब्लिक रोड टू रीच हिज एग्रीकल्चर लैंड। जब आप खुद बोल रहे हो कि दीवार बन गई वहां, तो ये ऑर्डर कैसे हो सकता था? दीवार बने, दीवार रोड बन रही थी, जब आपने अच्छा आवेदन निकालो, आप आवेदन में आपने क्या लिखा है? अतः वस्तु प्रार्थना है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाकर भूमि खसड़ा नंबर 300 पर सदामती पुस्तैनी रास्ता दर्ज किए जाने व अनावेदकों को उसमें अवरोध पैदा करने से रोके जाने का आदेश दिए नहीं कृपा की जाए। और आपने यहाँ पर जो है जो ऑर्डर मेरे को पढ़ के बताया उसमें निर्माण कार्य हो गया ऐसा बताया, शासन की मंशा है, वो कह रहा चाचा की मंशा जो है, परमिशन मांग रहा हूँ या मैं इसको होल्ड करके आपको लिबर्टी दूं? आपको जैसा जैसा आपको उसको आपको भी बताना पड़ा, हमेशा ये नहीं कर जैसा हम चाहें, तो आपका हित करना चाहते हैं, बहुत मेहरबानी सर आप हो जाए जो जैसा आप चाहें, तो आपकी परमिशन पैसे लूं कोई मतलब आप, अरे हमें सर हमारी परमिशन जुड़ती है, कोर्ट है फुल पावर टू पास द ऑर्डर, देखो दिस मिसलेनियस पिटीशन हैज बीन प्रेफर्ड